हमको दे दीजिए या हमारा एड्रेस कॉन्टैक्ट एड्रेस आप रख लीजिए, बाद में अगर आपको आपको हमारे साथ काम करने का इच्छा है तो फिर हम उस पर फिर काम कर सकते हैं आगे। और इसी के साथ हम जो दो दिन का हमारा जो कार्यक्रम था उसके समाप्ति में आ गए हैं, और हम विष्णु शुक्ला जी सर को हम बोलेंगे अपना दो कुछ शब्दों से इसका कंक्लूजन करें, उसके बाद हम वोट ऑफ थैंक्स के थ्रू इसको हम प्रोग्राम को हम समापन करें। ताजा होता है। मैं ये जो दो दिन आप लोग हमारे साथ रहे, हमारे साथ आपने अपने विचार शेयर किए, आपने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए, अपना बहुमूल्य समय दिया, और अपने तमाम व्यस्त कार्यक्रमों को छोड़कर यहाँ आ करके दूर शहरों से आकर के यहाँ पर हर तरीके की असुविधा को झेलते हुए आप हमारे साथ रहे, इसके लिए मैं आप सभी का और आपने जो विचार दिए और जो हमको जानकारियाँ दी उससे मैं व्यक्तिगत तौर पर बहुत लाभान्वित हुआ हूँ, इसके लिए मैं आप सभी को इसकी धन्यवाद देता हूँ। कुछ असुविधाएं हुई हैं, कुछ कमियां रही हैं, कुछ कमियों के आप बेशक बिना किसी तरीके के हिचक के वो कमियां आप मुझे दे सकते हैं, और जो अच्छाइयां हुई हैं, जो तमाम आपने यहाँ पे कुछ हासिल किया है उस सबका श्रेय एचआरएलएन को, एचआरएलएन की टीम को, राय साहब को और इन सब साथियों को जाता है। इस चीज के साथ मैं अपनी बात समापन करने के लिए दो तीन लोगों को जरूर आप सबकी तरफ से अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा, और वो है ये स्कूल का मैनेजमेंट जिन्होंने हमको यहाँ का व्यवस्था दी। मुझे लगता है कि मुझे इसके प्रबंधन को, क्योंकि ये मुझे बाद में पता चला यहाँ पर दो लोगों से, छोटे भाई नरोना ने और दीपक मालवी ने बताया कि ये लोग तो किसी को अपना हाल देते नहीं, पता नहीं कैसे आपको दे दिया। तो मैं स्कूल प्रबंधन का इस बात के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको ये जगह दी जो कानपुर में सभी जगहों से सीधे जुड़ी हुई है। मैं जो हमारे करीम भाई हैं, इन्होंने जो जिस तरीके से पूरा लगातार अपनी छुट्टी बलिदान करके हमारे साथ रहे और यहाँ पर बिजली की व्यवस्था बनाए रखी, हम इनके भी शुक्रगुजार हैं, आप सभी के शुक्रगुजार हैं। तारिक भाई सुबह से आ करके और अभी और फाइनली विष्णु शुक्ला जी का धन्यवाद अदा करते हैं, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा। Thank you.